गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की द्वारा आयोजित 4 दिवसीय संस्कार शिविर में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अखिल और मैं आप लोगों को अगले 4 दिनों तक योगा और मेडिटेशन रिलेटेड प्रैक्टिसेस करवाऊंगा और मैं होप करता हूं कि आप लोग भी मुझे फॉलो करेंगे और अपनी हेल्थ से रिलेटेड छोटा सा एक इनिशिएटिव लेंगे। योगा का कितना इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बेसिक आइडिया जरूर है, पर राइट नाउ जिस कंडीशन से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना, इस बीमारी का हमें पता है कोई इलाज नहीं है। जो हमें पता है वो है सिर्फ इतना कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमें बहुत हेल्प करेगी इस चीज से बचने में या इस चीज को फैलने से रोकने में, क्योंकि हम लोग अपनी इम्यूनिटी से ही इसको हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। हम जो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं वो ओवरवेट लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, जिन लोगों को भी वेट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लोग अपनी एज से अकॉर्डिंग जरूरत से ज्यादा वेट रखते हैं, जिन लोगों को ओवर ईटिंग की हैबिट्स हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस होंगी, क्योंकि आप लोगों का फैट लॉस कहीं ना कहीं इसमें कवर होगा। और जिन लोगों को भी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आप लोगों के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइजेस है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, योगा करने से पहले आप लोगों के पास एक सिग्निफिकेंट स्पेस अवेलेबल हो, बहुत अच्छा एक आसपास एनवायरनमेंट हो और जगह मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी का तो कोई डिस्टरबेंस ना हो आपके मूवमेंट्स में। और कभी भी डायरेक्ट जमीन पे इसको ना करें, क्योंकि जॉइंट्स में आप लोगों के बहुत गलत तरीके से प्रेशर पड़ सकता है और आप लोगों की कंडीशन और बुरी हो सकती है। अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं एक प्रिकॉशन बताना चाहूंगा, जिन लोगों को भी एस्थमेटिक इश्यूज हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, वो लोग प्लीज इसको ट्राई नहीं करें, क्योंकि रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत प्रेशर पड़ेगा आपको और एल्बोज या शोल्डर्स रिलेटेड किसी को इंजुरीज हैं, लोअर बैक रिलेटेड इंजुरीज है, कोई बेल्ट लगाते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, या नेक इंजुरीज हैं, तो आप लोग बिल्कुल नहीं करें। और किसी को माइल्ड पेन होता है तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का पोस्चर सही होगा और बैक पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। अगर आपको इंजुरीज है तो बिल्कुल ट्राई नहीं करें। आई होप कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेट उल्टा वेट केवल लेटना है और पैरों को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथ पूरी तरह खोल के शोल्डर लेवल पर रखना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट, हम लोगों को इनहेल करते हुए जमीन को पुश करना है, धक्का देना है, ताकि हम पूरी तरह ऊपर उठ पाए। शुरू करते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, सांस लें और ऊपर जाएं। अब इस पोजीशन को आप 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड जितना चाहे आप होल्ड करें, ज्यादा देर तक पुश ना करें, हल्के हल्के धीरे धीरे से ट्राई करें और जितना हो सके हाथ को पूरी तरह पुश करने की कोशिश करेगा। वापस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि मैंने देखा है कई लोगों को लॉन्ग ड्राइव करने से या ज्यादा गाड़ी चलाने से बैक में हल्का हल्का पेन आ जाता है, कई बार हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या आप लोगों को नेक इंजरीज है और आपने इसको अगर आप कर रहे हैं तो आपको फील भी होगा कि आपके बैक स्ट्रेच होगी, स्पाइन स्ट्रेच होगी आपकी, और जो आपका एब्डोमिनल मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, ये सब आपका स्ट्रेच होने वाला है, जिससे आपके फैट बर्निंग में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे वाइटल प्रेशर पड़ेगा, ताकि आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर सके। तो नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो आपके एब्डोमिनल्स पे बहुत प्रेशर देने वाला है, बहुत जोर लगाने वाला है आपके पेट की मसल्स पे और शोल्डर्स की मसल पे। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी के भी जॉइंट्स में, एल्बो या शोल्डर की जॉइंट्स में किसी को भी कोई इंजरी है, प्लीज नहीं करना आपको, और प्रेग्नेंट लेडीज भी प्लीज इसको अवॉइड करिए। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, 3 साल से बड़ा कोई भी बच्चा इसको कर सकता है और बहुत इजी है। आई होप कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपने एल्बोस के बल पे ऐसे हाथ को ऐसे रखना है और पैर को स्ट्रेट करके अपनी बॉडी का पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है आपकी,
आपको कुछ भी नहीं करना, वापस से बता देता हूँ, आपका एल्बो के बल पे आपको यहाँ पे ऐसे बैठना है और लेग्स को स्ट्रेट करके टोस के बल पे, उंगलियों के बल पे अपनी बॉडी को स्ट्रेट मेंटेन करना है, और इस पोजीशन में आपको हल्के हल्के से सांस लेनी है। जितनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। सांस बिल्कुल धीरे धीरे से लेना है, जोर से इनहेल नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का बैलेंस इससे बिगड़ने वाला है। धीरे धीरे इनहेल करें और एक्सहेल करें। इस पोजीशन को आप जितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। एक और चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोग जो बिगिनर्स होंगे वो लोग अपना जो बैक पोर्शन है उसको ऐसे कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना, ना आपको ज्यादा लोअर करना है, बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन पे आपको मेंटेन रखना है और इस पोजीशन को आपको जितनी देर तक हो सके आपको होल्ड करके रखना है। आई होप कि आप लोग कर रहे हैं और ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस जिसमें कोई आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आप सबसे हो सकती है, तो प्लीज इसको ट्राई करें। और जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे आपके एब्डोमिनल्स में बहुत अच्छा एक इफेक्ट आएगा। आपकी कोर जो है, नीचे वाली जो मसल्स होती है, आपकी चेस्ट से नीचे वाली जो भी मसल्स होती है, उन सब पे बहुत अच्छा आपका इफेक्ट आएगा और आपके ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को, उन ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगली जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है सूर्य नमस्कार। इसके बारे में भी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, तो इसके बेनिफिट्स मैं बताऊं तो जिन लोगों को इंसोमनिया की प्रॉब्लम होती है, नींद कम आती है, यंग एज में हो या ओल्डर एज में हो, आप लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, समय पे नींद नहीं आती है, समय पे आप उठ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके मसल्स को भी टोन कर देता है, और ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसको शुरू करते हैं। आपको शुरू ऐसे करना है, मैट के आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है और एक नमस्ते वाले पोस्चर से आपको शुरू करना है। इसको फर्स्ट स्टेप है ये, और सेकेंड स्टेप में आपको इसको पूरा पीछे की तरफ हम लेके जाएंगे कुछ ऐसे, लेकिन हाथों का मूवमेंट आप देख लें। जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा हाथ पूरा ऐसे जाएगा और पीछे की तरफ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जब हम पीछे जाएंगे तो सांस अंदर लेनी है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये पूरा एक आसन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, जो हम पीछे गए थे वहीं से आपको पूरा का पूरा नीचे आना है और अपने फीट को, पैरों को टच करके, अगर आपका पैर टच होता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कवर करेंगे। पर जैसे हम पीछे गए थे सांस अंदर लेते हुए, अब आप जब आगे आएंगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। वापस करते हैं। ये एक राउंड हो चुका है, अब सांस छोड़ते हुए जब हम इधर पहुंच चुके हैं तो एक स्टेप आपको अगला ये करना है कि आपका राइट पैर जो है वो आपको पीछे लेके जाना है, एक नॉर्मल अमाउंट में पीछे लेके जाइए जितना आपको ठीक लगता है, और स्ट्रेच पूरा करना है आपको पैरों को। और अब ये हो रहा है कि मेरी पूरी अपर बॉडी जो है मेरे हाथों पे टिकी हुई है और मेरे लेफ्ट पैर पे टिकी हुई है, और मेरा पीछे वाला पैर मेरे उंगलियों पे है और मैं इस पोजीशन में आ चुका हूँ। तो वापस ध्यान दीजिए, पहला स्टेप इनहेल, सेकंड स्टेप एक्सहेल, फिर हम वापस राइट पैर को पीछे लेके जा रहे हैं तो वापस हमें इनहेल करना है। वापस शुरू करते हैं। जब आप इस पोजीशन में हो तो जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया था, आपकी हाथों से जमीन को पुश करना है और ऐसे देखना है, सांस को इनहेल करना। अब हमने अपना थर्ड स्टेप
कर लिया था कंप्लीट। फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपका जो लेफ्ट पैर आगे था उसको भी हम पीछे लेके जाएंगे और अपनी बॉडी से एक दूसरा पोस्चर बनाएंगे। हम यहाँ पे थे, अब एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे लेके आना है, अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके आना है और एक ब्रिज के जैसे एक पोज बनाना है आपको। ऐसे पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे, हाथों से पूरा स्ट्रेच करेंगे, पैरों से पूरा स्ट्रेच करेंगे और ऐसा एक पोज बनाना है आपको। मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको एक्सहेल करते हुए इस पैर को, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है। ये स्टेप आपका हो गया है। अब यहां से हम वापस हमारी पहली वाली एक्सरसाइज की पोजीशन पर आएंगे। सांस लेते हुए हम यहाँ पे थे, यहाँ से इस पोजीशन में आपको आना है। तो वापस इसको मैं रिपीट करके थर्ड स्टेप से आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे थे, हमको पीछे जाना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका पैर आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट वाला भी, और बॉडी को इस पोजीशन में लेके आना है। नेक्स्ट इसके बाद आप अपनी पहली वाली एक्सरसाइज की पोजीशन में, हम यहीं पे आ जाएंगे। देन अब आपके एक्सरसाइज का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी पार्ट होने वाला है रिवर्स में होने वाला है। ये जो पार्ट थे हमने 6 पोस्टर्स किए हैं, ये 6 के 6 पोस्टर्स रिपीट होंगे उल्टा और वापस हम इसी पोजीशन पे आगे खड़े होने वाले हैं। तो ये जो भी एक्सरसाइजेस हमने करी हैं इसको हम ब्रेथ के साथ करने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ब्रीदिंग समझ में नहीं आ रही है तो धीरे धीरे पहले स्टेप्स पे फोकस करेंगे अपन। ब्रीदिंग में आपको एक एक स्टेप के साथ एक एक ब्रीद लेनी है, एक स्टेप के साथ एक बार ब्रीदिंग करनी है, चाहे वो इनहेल हो या एक्सहेल हो, लेकिन हमेशा शुरू आपको इनहेलेशन से ही करना है। तो अब जहां तक अपन पहुंच गए थे मैं वापस करके दिखाऊंगा आपको। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। इस पोजीशन पे हम थे तो हमारे पैर, आप ध्यान रखना वापस से आपको पैर आपको ऐसे करने पड़ेंगे और उल्टा होके वापस इसी पोजीशन पे आना है आपको है। और ये आपका एक स्टेप वापस कंप्लीट हो चुका है। अब याद हो तो आपने पहले स्टेप में राइट पैर पीछे लिया था, इस बार जब हम करेंगे तब लेफ्ट पैर आपका पीछे होगा और राइट पैर आगे होगा। देखना इसको, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। राइट पैर आपको आगे लेना है जितना आप आगे ले सकते हैं, बैलेंस के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत आगे लेके आप घाट रहे अपना पोस्टर, बिल्कुल हल्के हल्के धीरे से जितना आपसे होता है उतना करें। और वापस से हम इसी पोजीशन पे, ध्यान से देखिए मेरा लेफ्ट पैर पीछे है, राइट पैर आगे है और मैं इस पोजीशन पे पूरा हूँ। पैर पूरा टिका होना चाहिए, लेफ्ट पैर उंगलियों पर, राइट पैर पूरा टिका हुआ और वापस हम इसी पोस्टर पे। अगेन यहाँ से अगला स्टेप, लेफ्ट पैर आपका आगे आएगा और आप पूरा ऐसे हो जाएंगे। इसको वापस से वहीं से शुरू करते हैं जहां से अपन ने पिछली बार रोक दिया था। हम फिर भुजंगासन में यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से आपको आना है 1, 2 ब्रीथ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्टेप्स शुरू करते हैं। यह
जब हम इधर आ चुके हैं, अगला स्टेप है आपका लेफ्ट, मेरा आपको आगे लेके आना है यहाँ पे, और वापस आप इसी पोजीशन पे आके पैर हाथ पीछे लेके जाना है और वापस यहाँ पे ऐसे आ जाना है। ये आपका पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्रेथ के साथ देखेंगे, एक एक स्टेप के साथ एक एक ब्रेथ, तो इसको फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप इनहेल, सेकेंड स्टेप एक्सहेल, सांस छोड़ा, फिर आपको करना है इनहेल एक्सहेल, इनहेल, फिर सांस छोड़नी है और पीछे आना है। अब इनहेल करते हुए राइट पैर को आगे लेके आना है, फिर एक्सहेल करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। अब इनहेल करते हुए वापस से पीछे जाना है, और एक्सहेल करते हुए की पूरी एक साइकिल, तो आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ब्रेथ के साथ एक एक स्टेप को हम वापस देखेंगे, तो मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। एक एक स्टेप के साथ एक एक ब्रेथ लेनी है, पीछे जाएंगे इनहेल सांस अंदर लेनी है, आगे जाएंगे एक्सहेल सांस छोड़नी है। तो शुरू करते हैं सांस अंदर लेते हुए, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे आना है, फिर सांस को अंदर लेते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाना है, और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट स्टेप पूरा सांस को वापस लेते हुए आपको बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना है, फिर सांस को बाहर छोड़िए और वापस इसी पोजीशन पे आइए। इस पोजीशन में आप आके, आपको याद हो तो आपका राइट लेग पिछली बार पीछे गया था, अब आपका लेफ्ट लेग पीछे रहेगा और राइट लेग आगे आएगा। तो सांस को वापस से आपको अंदर लेना है और यहाँ पे आना है आपको इस पोजीशन में, सांस अंदर और ऊपर देखते हुए। अब सांस को छोड़ते हुए यहाँ पे आना है इस पोजीशन पे, और अगेन सांस को अंदर लेते हुए इनहेल करते हुए आपको पूरा पीछे की ओर ऐसे जाना है, और फिर इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए इसी पोजीशन पे हम आ जाएंगे वापस से जहाँ से शुरू किया था। तो ये कुछ 6 पोस्चर्स थे जिनको कंप्लीट एक साइकिल में हम करते हैं, और ब्रीदिंग को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रीदिंग के साथ ही आपकी रेस्पिरेशन को भी और इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, और आपके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और मसल्स को टोन भी करता है। तो एक और बार मैं करके दिखाऊंगा मेरी तरफ से, अब आप फॉलो कर सकते हैं, मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा पूरी तरह से। इसको आप स्पीड को भी इंक्रीज करके कर सकते हैं, अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब अगला जो पार्ट आता है हमारा, वो है मेडिटेशन। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिटेशन का नाम सुन के दूर हट गए होंगे, या उनको लग रहा होगा कि यार अब ये बहुत बोरिंग होने वाला है। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ बच्चों को कि ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, थोड़ा फनी जरूर हो सकता है, क्योंकि हम कुछ साउंड्स निकालेंगे और ब्रीदिंग करेंगे जिससे आपको लगता है, आपको लग सकता है कि ये बहुत फनी है। पर मैं बताना चाहूंगा 3 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। अगर आपको बैक इंजुरीज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राणायाम सबके लिए बढ़िया है, और मेडिटेशन आपके माइंड को काम करने में बहुत हेल्प करेगा, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
मुझे पता है बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और आप लोगों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं लगता है। और हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स के टाइम पे या स्टडीज के टाइम पे अगर हम लोगों का कंसंट्रेशन वेल मेंटेन नहीं है तो हमारी स्टडीज में कितना बैड इफेक्ट आ सकता है हम सब जानते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए पहले आपको नॉर्मल एक सिचुएशन में आलती पालती मार के बैठ जाना है और एक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे अपन। स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करते हैं। ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। डीप ब्रेथ इनहेल, डीप ब्रेथ एक्सहेल। ठीक है, बहुत इजी स्टेप था, पहला स्टेप था। अब शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके जो हाथ है, ये हाथ जो हथेलिया है, इसके फिंगर्स को यूज करते हुए हम फेस को कवर करने वाले हैं। तो ये जो अंगूठे हैं, अंगूठों से आपको आपके आपके कान का जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको पूरा कवर कर देना है ताकि आपको बाहर की कोई नॉइज नहीं है। बंद करेंगे अंगूठे से, और अभी मेरे साथ साथ बंद मत करना वरना आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं, अपने कान बंद करिएगा। पहला स्टेप, अपनी फोर फिंगर से जो ये वाली उंगली होती है उससे आपके आईब्रोज को कवर करिएगा और बची हुई तीन उंगलियों से आपके आंखों को और फेस को ऐसे कवर करना है। वापस बता देता हूँ, अंगूठों से आपको कान कवर करने हैं, उंगलियों से फोर फिंगर्स आगे वाली जो उंगली होती है पहली उंगली से आपको आईब्रोज कवर करनी है और बची हुई तीन उंगली से आपको आईज को ऐसे कवर कर देना है। वापस से अब आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपके दो स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। लास्ट स्टेप जो आपका आता है वो है ये, जब हम एक्सहेल आउट करने वाले हैं। डीप ब्रीथ इनहेल, डीप ब्रीथ एक्सहेल। जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमें अपने गले से और मुंह से एक हमिंग की साउंड निकालनी है। तो अब आप इसको कर सकते हैं मेरे साथ साथ और मुझे एक बार देखिए और उसके बाद हम साथ में ट्राई करेंगे। शुरू करते हैं। अब आपकी ब्रीदिंग जितनी डीप हो सकती है उतनी डीप करने की आपको सबको कोशिश करनी है और अब इसको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 5 बार या 10 बार आप इसको करेंगे, मेरे साथ साथ करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ईयर्स क्लोज्ड, आईब्रोज, फेस। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और सांस को छोड़ते छोड़ते मुंह से आवाज निकालनी है, मुंह बंद करके। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका माइंड जो है, आपके थॉट्स जो है एकदम शांत हो जाएंगे और आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा। और मैं प्रेफर करूंगा, मैं सबको बताऊंगा, सबसे बोलूंगा कि कोई सी भी एज ग्रुप हो आपको सबको ये कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट रोज प्रैक्टिस करना चाहिए और हो सके तो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करेगा बच्चों को पर बड़े लोगों के लिए भी स्ट्रेस रिलीज करने का बहुत अच्छा एक टूल है, बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है। और डिप्रेशन हो
होने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बचाता है, क्योंकि आपके हार्मोन के बैलेंस को ये सही कर देता है। क्योंकि हम जितना ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं उतना अच्छे से प्राणायाम हमें हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी काम कर देता है। अगला जो हम करने वाले हैं उसके बारे में सबको एक बेसिक आइडिया जरूर होगा, सबने सुना है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे माइंड को काम करने के लिए, और हमारे जो थॉट्स, हमारा ब्रेन जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिन भर में प्रोसेस करता रहता है। उस इंफॉर्मेशन को अगर हम शांत कर सकते हैं, हमारा ब्रेन जो है उसको थोड़ा शांत कर सकते हैं और एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, फोकस रह सकता है। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो हम करना शुरू करेंगे, पहले बैठ जाना है ऐसे आलती पालती मार के, और एक हाथ आपका पाम्स अप साइड करके, हाथ ऊपर करके आपको बैठना है। एक हाथ से, राइट हैंड से, अंगूठे से नाक की एक साइड को बंद करना है, और बची दो उंगलियां जो बीच की है उससे आपको लेफ्ट साइड को बंद करना है, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब सांस लेने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। जब आप एक साइड को बंद करें तो इनहेल करना है आपको, और इनहेल करके फिर होल्ड करना है ब्रेथ को, और उस नोज के लेफ्ट साइड को आपको बंद कर देना है। फिर ऑटोमेटिकली आपका ये पार्ट खुल जाएगा, आपका हाथ सीधे जाएगा, और यहां से आपको एक्सहेल करना है। शुरू करते हैं। अब आपने यहां से छोड़ा है, यहीं से आपको इनहेल भी करना है, ब्रीदिंग बिल्कुल डीप होनी चाहिए, तभी आपका ऑक्सीजन जो इनटेक होएगा वो कंप्लीट प्रोसेस होएगा, और इनहेल और एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है वो पूरी तरह कंप्लीट होएगा। आप वापस करने की कोशिश करेंगे, और मैं बता रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई इंजरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शांति से एक जगह पे बैठ जाएं, सुबह सुबह करें इसको। हम शुरू करते हैं। इसको कम से कम 3 मिनट करें, 3 मिनट से ज्यादा 5 मिनट, 15 मिनट, आपको जितना सही लगता है आपके समय के हिसाब से इसको रोज करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को यहाँ पे म्यूकस जम जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है। उन लोगों के लिए ठंड में, जैसे मौसम चेंज होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों को दिक्कत होती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ब्रीदिंग, जैसे ही आपका नेजल ट्रैक पूरा क्लियर हो जाता है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, और अनुलोम विलोम से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोटिवेशनल सेशन का ये फर्स्ट डे है। अभी आपने थोड़ी देर पहले योगा और मेडिटेशन सेशन में बहुत सारे ऐसे योगा और मेडिटेशन को समझा जिससे आप अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सके। आज हम इस मोटिवेशनल सेशन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लाइक हम करेज की बात करें, सेटिस्फेक्शन की बात करें, हम कई बार डिप्रेशन जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं उस समय हम कैसे अपने आप को डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम कंसंट्रेशन एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में हैं जिन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट किया है। क्या हम उन सबको पढ़कर समझकर कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस मोटिवेशनल सेशन के इस फर्स्ट डे में बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे मैं देख रहा हूँ मेरे सामने दिख रहे हैं, और आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा करेज की, साहस की। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी करेज की है, साहस की, क्योंकि कोविड 19 के समय में बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि किस प्रकार से हमें इस कोविड 19 की चुनौतियों का सामना करना है। बच्चे भी अपनी इस समय में पढ़ाई में कई प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हैं, ऑनलाइन जैसे मीडियम हमारे सामने आए। मैं एक आपको नाम बताता हूँ जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा देश की राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर, 1988 में आपका जन्म हुआ था, और एक साहस की ऐसी कहानी अरुणिमा सिन्हा ने लिखी है जिस पर आज पूरे भारत को ही नहीं अपितु विश्व को गर्व होता है। अरुणिमा सिन्हा जो वॉलीबॉल प्लेयर थी राष्ट्रीय स्तर की, आप सब जानते हैं वॉलीबॉल प्लेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके फुट स्टेप का मूवमेंट, वही अरुणिमा सिन्हा एक बार लखनऊ से दिल्ली की ओर यात्रा कर रही थी। लखनऊ से दिल्ली की ओर ट्रेन से यात्रा करते समय कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम शरारती तत्व कह सकते हैं, वो अचानक उस ट्रेन में आए और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को परेशान करना शुरू किया। इस देश की बेटी कभी भी कमजोर नहीं थी, और अरुणिमा सिन्हा ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनका विरोध किया। वो लोग उसकी चेन छीनना चाहते थे, उसके साथ मारपीट करना चाहते थे, पर अरुणिमा सिन्हा डरी नहीं और उसने डटकर मुकाबला किया। उसी मुकाबले के दौरान वो संख्या में ज्यादा थे, अरुणिमा सिन्हा अकेली थी, और चेन की छीना छपटी के दौरान जब अरुणिमा सिन्हा पर वो काबू नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने उसको धक्का दे दिया और चलती ट्रेन से बरेली के नजदीक अरुणिमा सिन्हा गिर गई। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश की बहादुर बेटी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, चलती ट्रेन से गिर जाती है, और जब चलती ट्रेन से गिरती है तो उनकी एक टांग टूट जाती है, या हम कहें उस टांग उनकी कहीं ना कहीं पूरी बॉडी से अलग हो जाती है। बहुत देर तक अरुणिमा सिन्हा पटरी पर पड़ी रही, जंगल के अंदर बहुत सारी ट्रेनें पास से गुजरती गई, दर्द से कराहती रही, लोगों को पुकारती रही, पर जंगल का वो पूरा रास्ता था और पटरी पर उन्होंने पूरी रात गुजार दी। सवेरे कुछ लोग वहां से गुजरे होंगे, उन्होंने जब अरुणिमा सिन्हा को देखा तो उसको तुरंत अस्पताल ले गए, वहां से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली लगभग 4 महीने तक अरुणिमा सिन्हा एडमिट रही, अपनी मौत और जिंदगी से लड़ती रही। कई लोगों को लगा था शायद अरुणिमा सिन्हा अब नहीं बचेगी, पर अरुणिमा सिन्हा का जज्बा था और उस जज्बे के कारण अरुणिमा सिन्हा ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, पर उनको अपनी एक टांग खोनी पड़ी। अब आप इमेजिन कीजिए, एक अच्छा डांसर, अगर उसकी टांग चली जाए तो उसको कितना दुख होता होगा, एक अच्छा राइटर, उसका हाथ का नुकसान हो जाए तो कितना दुख होता होगा, ठीक उसी प्रकार से एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जिसकी टांग चली गई वो कितनी टूट गई होगी, कितनी निराश हुई होगी। कई बार आपके सामने भी सिचुएशन आती है, आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आप पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और कई बार आपको नहीं मिलती है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। समटाइम्स आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि शायद अब जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, पर ऐसे समय में अरुणिमा सिन्हा ना डरती है, ना रुकती है, ना ही किसी कारण से हारती है, और वो वापस अपने हौसले के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करती है। और आप देखते हैं कि अरुणिमा सिन्हा जब वो ठीक होती है और एक पांव पर खड़ी होती है और संकल्प लेती है कि अब मैं धीरे धीरे ही सही वापस आगे बढ़ूंगी और इस देश की, और देश की नहीं विश्व की हर उस ऊंची चोटी पर जाने का प्रयास करूंगी जहां मैं जा सकती हूं, और मैं लगातार प्रयास करती हूं। अफ्रीका और यूरोप जैसे देश की कई चोटियों पर वह चढ़ती है, और 21 मई 2013 के दिन उस दिन माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भी अरुणिमा सिन्हा फतह करती है, और वो इस देश की पहली विकलांग महिला, दिव्यांग महिला बनती है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। इस सारी कहानी को मैं सुनाने का जो तात्पर्य है कि व्यक्ति कभी भी शरीर से अपंग या दिव्यांग नहीं होता, व्यक्ति सोच से दिव्यांग होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोगों को हमारे मन के अंदर इतना साहस और जज्बा रखना चाहिए जिससे हम बड़ी आसानी से हर प्रकार की समस्या का समाधान खुद ढूंढ सकें।
अरुणिमा सिंह एक बड़ी अच्छी सी लाइन गुनगुनाती है, वो कहती है कि अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुद्र मैंने, अभी पूरा आसमान बाकी है। बड़ी सुंदर पंक्तियां वो अक्सर गुनगुनाती है और कहती है कि किस प्रकार से सभी लोग अपने जीवन में ठान ले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति का उसको सामना करना पड़ता हो, चाहे उसको पढ़ाई में समस्या आती हो, चाहे उसको खेलने में समस्या आती हो, कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो व्यापार में समस्या आती हो, चाहे किसी प्रकार की जीवन में समस्या आती हो, हर समस्या का समाधान अपने हाथ में है, हर समस्या का समाधान हमारे जज्बे से हमारे साहस से हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, एक बड़े ही अच्छी बात एक व्यक्ति ने कहा था, फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का रास्ता है। और एक कहानी मुझे याद आती है महाशय धर्मपाल हट्टी जी की, आप सबने नाम सुना है, एमडीएच मसाले वाले बाऊजी भी मैं उन्हें कह सकता हूँ, बड़े जोशीले हैं, इस उम्र के अंदर भी आप उनको टीवी के एड में देख सकते हैं। और धर्मपाल जी की आप जब कहानी देखते हैं तो आपको एक बड़ा सा लगता है कि एक बड़ा सा बुजुर्ग सा व्यक्ति खुद अपने लिए एडवर्टाइज करने आता है, क्या बड़े मजे रहे होंगे इनके, कितने अच्छे से इनकी लाइफ रही होगी जिस कारण से आज ये इतनी वेल्थ लाइफ जी रहे हैं। पर जब आप इनका पास्ट देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पाकिस्तान के सियालकोट जो वर्तमान में सियालकोट स्थान है, पाकिस्तान में आजादी के पूर्व सियालकोट या पूरा भारत पाकिस्तान एक ही था, ऐसे समय में सियालकोट में आपका जन्म हुआ था। देश की आजादी के बाद इनका घर भी पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भारत की ओर मुंह कर गया और भटकते भटकते कई दिन परेशान रहते हुए ये दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहाँ तक पहुंचे थे। दिल्ली में जब अपने रिश्तेदार के आए तो कोई काम इनको आता नहीं था, इससे पूर्व भी जब ये सियालकोट में थे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पांचवी क्लास के अंदर, जी हाँ फिफ्थ क्लास के अंदर फेल हो गए थे। और फिफ्थ क्लास में फेल होने के बाद इनके पिताजी ने इन्हें काम पे लगा दिया था, अलग अलग प्रकार के कई काम किए, लाइक किसी दुकान पर इन्होंने सामान को बेचना शुरू किया, किसी के यहाँ नौकरी करी, ऐसे छोटे बड़े लगभग 50 तरह के काम किए और हर काम से इन्होंने फेलियर ही प्राप्त करी। इनके पिताजी बड़े परेशान थे कि क्या काम कर पाएगा, और लास्ट काम उन्होंने जो पाकिस्तान में किया था दैट इज मसाले को बेचने का, और उस काम में इनको सफलता मिली ही थी कि अचानक पार्टीशन के अंदर इनको शिफ्ट होना पड़ा। जब दिल्ली आए महज 1500 रुपए परिवार के पास थे, उस 1500 रुपए में क्या कर सकते, एक बड़ा सवाल खड़ा होता था। ऐसे समय में आप डिसाइड करते हैं कि मैं फिर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, और उस 1500 रुपए लेकर उन्होंने जीवन व्यापन करना शुरू हुआ। और एक टांगा उन्होंने खरीदा, एक घोड़ा गाड़ी उन्होंने खरीदी, और घोड़ा गाड़ी के माध्यम से उन्होंने लोगों को इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो एक अच्छा काम कर सकता था या पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहा था, अचानक उसका काम बंद हो जाता है, उसको टांगा गाड़ी चलानी पड़ती है, उसके मन में क्या विचार आया होगा। लगभग 2 महीने तक वो टांगा गाड़ी चलाते हैं और टांगा गाड़ी से ही वो अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता। और थोड़े ही समय के बाद उस टांगा गाड़ी को बेचकर वापस मसाले का काम शुरू कर देते हैं। मसाले के लिए उन्होंने कोई बड़ा लोन नहीं लिया, कोई बड़ा प्रयास नहीं किया, बाजार से कच्चा मसाला लाते थे, घर के परिवार के सभी लोग पीसते थे, और पीसकर जो माल तैयार होता था उसको बाजार में भेज दिया करते थे। काम में आनंद आने लगा, बड़ी खुशी खुशी डेडिकेशन से वो काम में आगे बढ़ने लगे। और थोड़े समय बाद जब लगा कि ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो उन्होंने उस कच्चे मसाले को चक्की पर पिसाना शुरू किया। वो चक्की तक जाते थे, जिस प्रकार की हमारी आटा चक्की होती है इसी प्रकार से मसाला चक्कियां भी होती है, जिसे हम फ्लोर मिल भी कहते हैं आटा चक्की को, तो वहां जाते थे और मसाले पिसाते थे और बाजार में बेच दिया करते थे। अर्निंग धीरे धीरे बढ़ने लगी, पैसा ज्यादा आने लगा। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि जिस मसाला चक्की पर वो मसाला पिसाते हैं वहां पर किसी ना किसी प्रकार की वो मिलावट कर रहा था। उनका बड़ा मन दुखी हुआ, वो चाहते थे कि मैं अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का मसाला दूं। और इसी कारण से धर्मपाल जी बहुत कम समय के अंदर ही दिल्ली के अंदर अच्छी पहचान बना चुके थे। वो बड़े दुखी हुए, उन्होंने तुरंत फैसला किया कि मैं अपनी खुद की मसाला फैक्ट्री डालूंगा। पैसा कहाँ से आएगा बड़ा सवाल था। उन्होंने अपने सहयोगी मित्रों से बात करी, कुछ पैसा मैनेज किया और पहली फैक्ट्री की शुरुआत करी। पहली फैक्ट्री से जब उन्होंने अपना वापस मसाला देना शुरू किया वो मसाला भी फेमस हुआ, और धीरे धीरे पहली फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और अनगिनत मसाला फैक्ट्रियां खुलती चली गई। आज आप देखते हैं कि वही धर्मपाल जी इस देश के नामी गिरामी मसाला फैक्ट्री के मालिक के रूप में गिने जाते हैं। कई प्रकार की चैरिटी उनके माध्यम से की जाती है, बहुत सारे स्कूल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट उन्होंने देश में किया है, साथ ही साथ इस देश और समाज के डेवलपमेंट में भी आप इस उम्र में भी अपने जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक असफलता अगली सफलता नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी देती है। मैं तो ये कहता हूँ फेलियर इज द पाथ ऑफ द सक्सेस, असफलता ही सफलता का रास्ता है। लगभग 50 बिजनेस या 50 काम छोड़ने के बाद भी धर्मपाल जी वापस नए काम की ओर बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं।
स्वामी विवेकानंद की हम बात करें, एक ऐसा नाम जिस पर पूरे विश्व को गर्व है, मात्र 39 इयर्स की एज में आपने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे विश्व में आपका डंका बजता है। स्वामी विवेकानंद की अनगिनत कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारी सीख मिल सकती है, और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे हम एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो हम सबकी लाइफ में बहुत जरूरी है, उसका पाठ पढ़ सकते हैं, उसकी शिक्षा ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार मेरठ की यात्रा पे गए, उनको किताबें पढ़ने का शौक था। जब वो मेरठ पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्य के यहाँ जब ठहरे तो उन्होंने निवेदन किया कि मेरी कुछ पुस्तकें पढ़ने की इच्छा है, क्या मेरे लिए तुम कुछ बुक मैनेज कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा जी हाँ, मेरठ में एक अच्छी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के माध्यम से मैं आपको बुक अवेलेबल करा सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए रोज एक बुक ला दिया करें ताकि मैं बुक पढ़ सकूँ। उनका शिष्य उनके आदेश पर मेरठ की उस लाइब्रेरी पहुँचते हैं और एक बुक को इश्यू कराते हैं और स्वामी जी को सौंप देते हैं। स्वामी जी उस बुक को पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे अगेन वो उस बुक को उनको लौटा देते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी का एक क्रम लंबे दिन तक चलता रहा। डेली एक बुक शिष्य लाता है, स्वामी जी पढ़ते हैं, अगले दिन लौटा देते हैं। एक दिन लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, आप रोज एक बुक लेके जाते हैं, रोज अगले दिन लौटा देते हैं, बार बार इसको इश्यू करा रहे हैं, क्या आप इसको पढ़ भी पाते हैं या केवल पन्ने पलटने के लिए इस बुक को लेते हैं? शिष्य ने सारी की सारी बात विवेकानंद जी को बताई और विवेकानंद जी से कहा कि वो इस प्रकार से लाइब्रेरियन नाराज हो रहा था और वो बुक देने से मना कर रहा था। विवेकानंद जी खुद लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरियन से निवेदन करते हैं कि जी हाँ, ये बुक मैं ही मंगा रहा था, रोज मैं ही पढ़ता हूँ, अगले दिन मैं ही लौटा देता हूँ और मैं इस बुक को पढ़ भी रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता आप इस किताब को पढ़ते होंगे, शायद आप इसके पन्ने पलट के मुझे लौटा देते हैं। उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ, आप चाहें आपकी सुविधा के लिए, आपकी कंफर्मेशन के लिए आप मुझसे इसमें से सवाल पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन उत्सुकतावश कुछ सवाल भी पूछता है, कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। विवेकानंद जी हर सवाल का जवाब देते हैं और ना केवल सवाल का जवाब देते हैं, वो सवाल कहाँ से पूछा गया है और उस बुक में किस जगह उसका आंसर है, उसका पेज नंबर समेत वो पूरा का पूरा आंसर देते हैं। लाइब्रेरियन चकित हो जाता है, वो स्वामी जी को प्रणाम करता है और पूछता है कि स्वामी जी ये कैसे संभव हुआ, मैं सालों से इस लाइब्रेरी में हूँ, अनेक लोग किताबों को पढ़ने आते हैं, लंबे लंबे समय तक पढ़ते हैं, फिर भी वो किताबों का मूल समझ नहीं पाते, आप ये कैसे कर पाए? उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में कहा इसका सीधा सीधा समाधान एकाग्रता है। अगर आप भी बच्चों एकाग्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, हर काम को एकाग्रता के साथ करोगे, चाहे जब आप खेलो एकाग्रता से खेलो, चाहे पढ़ो एकाग्रता से पढ़ो, घर के दैनिक काम करो डेली तो आप एकाग्रता से करो, तो आपको हर काम को करने में बड़ा आनंद आएगा और मैक्सिमम आउटपुट आपको उन कामों में जरूर मिलेगा। एक कहानी और मुझे आपको यहाँ सुनानी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जिस पर समूची मानव जाति को गर्व है। बड़े अभावों में उनका जीवन हुआ। हम लोग कई बार देखा होगा कि आपस में कई बच्चे कई प्रकार की चीज़ों के लिए बड़े आसानी से परेशान हो जाते हैं। हमें इतनी अच्छी सुविधा मिली है, परिवार हमें अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करता है, अब बहुत सारे अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, हर परिवार अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता है। APJ अब्दुल कलाम का समय कुछ ऐसा नहीं था, परिवार में बड़ी गरीबी थी, बड़ा परिवार था, सामान्य सुविधाएं जुटाना भी आसान नहीं था, और APJ अब्दुल कलाम एक मेघावी बच्चा, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो बहुत पढ़ना चाहता था, पर बहुत प्रकार के बैरियर फैमिली में थे, पर परिवार ने और APJ अब्दुल कलाम ने तय किया तो सारे बैरियर धीरे धीरे दूर होते गए। मैं शुरुआत करता हूँ उनके बचपन के समय से। आप जैसे जब वो छोटे थे, लगभग 8 साल के 9 साल के, तो वो चाहते थे जीवन के अंदर बहुत कुछ करना और उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहते थे, पर मजबूरी थी, इतना पैसा नहीं था कि अच्छे स्कूलों में जा सकें। एक टीचर से उनके परिवार ने बात करी कि आप इसको एक्स्ट्रा समय दे के पढ़ा सकते हैं कि पढ़ना चाहता है, नई नई चीज़ें जानना चाहता है। टीचर हाँ भरते हैं पर शर्त रखते हैं कि अगर APJ अब्दुल कलाम सवेरे जल्दी उठ के आएंगे तो मैं इनको जरूर पढ़ाऊंगा। पर बड़ी मजबूरी ये थी कि जो टीचर का घर था उनके गांव से काफ़ी दूर था और बीच में एक नदी का लंबा रास्ता आता था। आप सोचो कई बार हम छोटी सी बारिश आती है तो हम सोचते हैं आज स्कूल नहीं जाएं, हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम सोचते हैं कि आज हम नहीं पढ़े। ऐसे समय में माता पिता का सहयोग और APJ अब्दुल कलाम की वो जज्बा, वो एकाग्रता, वो कोशिश उनको आगे बढ़ाती है और डेली अर्ली मॉर्निंग वो उठते थे, तैयार होते थे, रेडी होते थे और रेडी होकर वो पढ़ने के लिए चले जाते थे। इस क्रम से लंबे समय तक उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। टीचर बड़ा खुश हुआ और टीचर ने उनको कोई फीस नहीं दी। जब वो आगे स्कूल में पढ़ने गए तो एक बार उनकी बड़ी रुचि हुई कि किस प्रकार से साइंस को ज़्यादा समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, चिड़िया किस प्रकार से उड़ती है मूवमेंट देखना चाहते थे। उनके टीचर उनको समुद्र किनारे ले गए, उनका घर जो था वो समुद्र किनारे बसा हुआ था, पूरा का पूरा गांव समुद्र किनारे ले गए। समुद्र किनारे 6th क्लास में जब वो पढ़ते थे उन्होंने एक बार चिड़ियों का बड़ा झुंड जाते हुए देखा।
बड़ी उत्सुकता बस उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये चिड़िया कैसे उड़ रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि चिड़िया उड़ रही है, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। उन्होंने पूरा मैकेनिज्म उनको समझाने का प्रयास किया और वहीं से उनके मन के अंदर साइंस को जानने के विषय में जन्म लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बारे में जानना चाहते थे, आगे पढ़ना चाहते थे, फर्दर उन्होंने साइंस में स्टडीज़ दी, बेचलर डिग्री ली। बाद में उनकी इच्छा हुई मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं आर्मी जिसको भी ज्वाइन करनी होती है उसका एक अच्छा कद काठी होना चाहिए, अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर APJ अब्दुल कलाम को सबने पिक्चर्स में देखा एक सामान्य कद काठी के एक व्यक्ति था और सामान्य कद काठी के कारण APJ अब्दुल कलाम को आर्मी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप सोचो एक बच्चा जो बचपन से मन में आर्मी में जाने का जज्बा सजो के रखता है, जब उसको मना हो जाती है तो कैसी बीतती होगी, पर वो हारते नहीं है। आगे चलते हैं और देश के अंदर साइंस के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, इवन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिससे देश के अंदर साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। DRDO के चेयरमैन तक का आपको पद मिलता है, देश के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, कई प्रकार के परीक्षण जिसके अंदर परमाणु परीक्षण भी देश में हुए उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और लास्ट जब जाते जाते जब वो साइंस के अंदर डिवोटेड होते हैं एक समय ऐसा आता है कि देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके पास फोन जाता है और वो उनसे निवेदन करते हैं कि हम चाहते हैं आप देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। कई बार वो मना करते हैं पर बहुत बड़ी मान मनोबल के बाद जब बहुत ज़्यादा निवेदन देश के पूर्व प्रधानमंत्री का था वो मानते हैं और देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार देखते हैं। देश के राष्ट्रपति के रूप में वो व्यक्ति जिसको सेना से रिजेक्ट कर दिया गया था वही व्यक्ति देश के राष्ट्रपति के रूप में देश की तीनों सेना के प्रमुख के रूप में स्थापित होता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको ऐसी बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, चाहे हम करेज की बात करें, अरुणिमा सिन्हा को आप याद करें, जब भी आपको डर लगे ऐसा लगे मैं हार जाऊंगा, आपको अरुणिमा सिन्हा को जरूर याद करना चाहिए, आपके मन में जीत की ललक अपने आप पैदा हो जाएगी। आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, आपको विवेकानंद को याद करना चाहिए, एकाग्रता से काम करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, मेरी परेशानियां औरों की परेशानियों से बहुत बड़ी है। आप APJ अब्दुल कलाम को याद कीजिएगा, APJ अब्दुल कलाम आपकी सारी समस्याओं को खुद ब खुद दूर कर देंगे। मेरे पास बहुत फेलियर है, अब सक्सेस का कोई रास्ता नहीं मिलता, आप महाशय धर्मपाल जी को याद कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस का रास्ता जरूर मिलेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए सत्र के साथ, एक नए सेशन के साथ, नए लोगों के साथ। आप सब लोग आज यहाँ हैं, मेरे को आपने सुना, मैंने कोशिश करी है कि आप सब लोग इन सभी बातों के माध्यम से सेल्फ मोटिवेट होकर अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। जय भारत, जय हिंद।